नमस्कार मित्रों, मैं मंतोष विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल करंट स्टडी में। और आज हम एक नई चीजों को सीखने के लिए आए हैं जो अक्सर इंटर लेवल पे देखा जाता है और ऑल कॉम्पिटिटिव लेवल पे देखा जाता है, जिन्हें हम सेंटेक्स कहते हैं। हमारे पीछे आप देखेंगे मैंने लिखा हुआ है सेंटेक्स, और सेंटेक्स मीन्स वाक्य रचना होता है। एक सही क्रमबद्ध और शुद्ध तरीके का जब हम किसी भी चीज को लिखेंगे या इंग्लिश में किसी भी चीज को लिखेंगे तो सेंटेक्स का यूज निश्चित ही करना है। यदि सेंटेक्स का यूज नहीं करेंगे तो हमारा सेंटेंस कहीं ना कहीं मिस्टेक निश्चय ही हो जाएगा। तो आज हम एक नई चीज को जानेंगे और देखेंगे कि सेंटेक्स कैसे यूज किया जाता है और सेंटेक्स का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, किन किन चीजों पर करते हैं, और यह 11 या 11th और 12th के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और किसी भी कॉम्पिटिटिव जैसे यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो, एनबीएस हो, केबीएस हो, या जेएसएससी हो, दिल्ली का हो, किसी भी पीजीटी यदि टीजीटी एग्जाम देते हैं यदि इंग्लिश का इंग्लिश सब्जेक्ट से, तो इसमें निश्चित ही पूछा जाता है। तो आज हम लोग सेंटेक्स को देखेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि इसका यूज कैसे होगा, इसे हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, और इसका यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए और हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे और सीधे सीधे हम टॉपिक पे चलेंगे। तो हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि सेंटेक्स क्या है। सेंटेक्स मीन्स होता है वाक्य रचना। सेंटेक्स मीन्स वाक्य रचना होता है, और इसका जो डिफिनेशन है, द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी किसी भी सेंटेंस को हम करेक्ट अरेंजमेंट के तरीके से वर्ड को अरेंजमेंट तरीके से यूज करेंगे तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। और मैंने हिंदी में यहाँ परिभाषा लिखा हुआ है, वाक्य में शब्दों को उचित स्थान पर सही रूप से प्रयोग करने को सेंटेंस कहते हैं। यानी सही रूप से हम प्रयोग करेंगे तो इसी प्रयोग को हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। यानी देखिए, वाक्य में शब्दों को उचित स्थान पर प्रयोग करने की विधि क्या कहलाती है, सेंटेंस कहलाती है। अब ये जो सेंटेंस होती है ये आर्टिकल में जाती है, और आर्टिकल दो प्रकार का होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब सेंटेंस का अगला क्या है, कैसे हम बढ़ेंगे आगे। वे इन डिफिनेशन को हम डिलीट करेंगे यानी मिटा देंगे, और मिटाने के बाद हम आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और देखेंगे। अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट रूल ऑफ आर्टिकल। रूल ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल उपपद होता है। अब हम उपपद को देखेंगे, उपपद क्या होता है, किसे कहते हैं, किसे नहीं कहते हैं, तो हम यही जानेंगे। अंग्रेजी में ए, एन और द का प्रयोग ही आर्टिकल कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है। तो फ्रेंड्स, यह कितने प्रकार का होता है, तो यह दो प्रकार का होता है। हम यहां लिख देंगे अंग्रेजी में ए, एन और द। हमने क्या लिखा, अंग्रेजी में ए, एन और द का प्रयोग ही आर्टिकल कहलाता है। तो फ्रेंड्स, हमने लिखा क्या, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, अंग्रेजी में ए, एन और द का प्रयोग ही आर्टिकल कहलाता है। ए दो प्रकार का होता है। यानी जो आर्टिकल है यह कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है,
दो प्रकार का, तो एक होता है डिफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है इनडिफिनिट आर्टिकल्स। और यहीं से एनी कंपटीशन, चाहे आप यूपी टीजीटी पीजीटी एनबीएस केबीएस दिल्ली या झारखंड या एनी थिंग्स कहीं का सब्जेक्ट का यानी इंग्लिश का पीजीटी एग्जाम देंगे या टीजीटी, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो हम अब इसे डिलीट करेंगे और आगे देखने की कोशिश करेंगे, और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम यहाँ अब लिखने की कोशिश करेंगे, आर्टिकल दो प्रकार का होता है, यानी आर्टिकल कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है। जो फर्स्ट है वो फर्स्ट क्या है, और जो सेकेंड है वो सेकेंड क्या है। फर्स्ट है डिफिनिट आर्टिकल और सेकेंड है इनडेफिनिट आर्टिकल। फर्स्ट है डिफिनिट आर्टिकल्स और सेकेंड है इनडिफिनिट आर्टिकल्स। और डिफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है, निश्चित उपपद होता है, निश्चित उपपद होता है जिसमें केवल द ही पाया जाता है। और इनडिफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है, अनिश्चित उपपद होता है जिसमें ए एन को पाया जाता है, ए एन पाया जाता है। तो अब हम डिफिनिट आर्टिकल्स को अलग पढ़ेंगे, इनडिफिनिट आर्टिकल्स को अलग पढ़ेंगे, और अलग पढ़ के यह जानेंगे। जो इनडिफिनिट आर्टिकल्स हैं इसको हम पहले पढ़ेंगे, उसमें ए को पहले पढ़ेंगे, फिर एंड को पहले उसके बाद पढ़ेंगे। इन दोनों को खत्म हो जाने के बाद हम डिफिनिट आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, निश्चित उपपद को, और पहले हम पढ़ते हैं अनिश्चित उपपद को। यानी हम ये जानने की कोशिश करते हैं ए किन के साथ यूज किया जाता है, एन किन के साथ यूज किया जाएगा, और द किन के साथ यूज किया जाएगा। तो फ्रेंड्स यह बहुत ही डिफिकल्ट चीज है, यह बहुत ही कम लोगों को समझ में आता है। मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि कम लोगों को समझ में आता है, जहां तक मेरी जानकारी है, जब हम क्लास लेते हैं इंटर वगैरह का तो बच्चों को बहुत कम समझ में आता है, तो इसी माध्यम से मैंने कह दिया। तो अब हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल्स ए कहाँ कहाँ यूज होता है अब देखेंगे। तो मैं थोड़ा सा ओरली बता दूं आपको, ए का प्रयोग हम उन नाउन के पहले करते हैं जो क्या हो, अनिश्चित हो, क्या हो, अनिश्चित हो, जो बिल्कुल अनिश्चित हो, और जिनका उच्चारण वावेल से न होकर कॉन्सोनेंट से हो, जैसे बॉय। अब जो बॉय है, जो बी है, वह कॉन्सोनेंट हो रहा है न कि वावेल हो रहा है, इसीलिए इसके पहले हम ए का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे बाल, उसके पहले भी हम ए का प्रयोग कर देंगे। जो कॉन्सोनेंट नहीं होगा, सॉरी जो वावेल नहीं होगा उनसे पहले हम ए का प्रयोग, और जहां वावेल होगा उनसे पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। तो ये बड़ी बातें हैं, तो हम इन्हें डिलीट करेंगे और फिर हम आगे देखेंगे। तो फ्रेंड हम अब यह देखने वाले हैं कि जो आर्टिकल्स के दो भाग, उसमें से जो फर्स्ट रहेगा, जो रूल फर्स्ट रहेगी, यानी अब हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ ए, जो इन डेफिनिट आर्टिकल में आता है। तो पहला हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, आप ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा,
इंडिफिनिट आर्टिकल्स हम यहां लिखेंगे इंडिफिनिट आर्टिकल्स ए का प्रयोग हम उन नाउन के पहले करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंडिफिनिट आर्टिकल्स ए का प्रयोग हम उन नाउन के पहले करते हैं जिनको हम गिन सकें, जिनको हम गिन सकते हैं। एक बार सुन लीजिए, इंडिफिनिट आर्टिकल्स ए का प्रयोग साधारणतः हम उन नाउन के पहले करते हैं जिनको हम क्या कर सकें, गिन सकें, जिनकी गिनती कर सके, जैसे बॉय, जैसे फैन, जैसे ओमन, जैसे टेबल, इनको हम गिन सकते हैं। तो इनके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे आप ध्यान देंगे, बॉय हमने लिख दिया, हमने ओमन लिख दिया, हमने टेबल लिख दिया, हमने बाल लिख दिया। अब ये जो बॉय है, ये बॉय गिना जा सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 100, 2000, 200, anything, कुछ भी गिना जा सकता है। इसीलिए हम इनसे पहले ए का प्रयोग करेंगे, और हमने ए का प्रयोग किया, फिर ओमन भी हम गिन सकते हैं, तो इनके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे, फिर टेबल भी गिन सकते हैं, टेबल ऑलरेडी ए नाउन है, इसके पहले हम कर रहे, बाल के पहले ए करेंगे। और दूसरी बात हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी नाउन होगा उसका जो उच्चारण हो वह कॉन्सोनेंट से हो, किससे हो, कॉन्सोनेंट। मैं यहां नोट में लिख दूं, आप ध्यान देंगे, इन नाउन का उच्चारण कॉन्सोनेंट में होना चाहिए। यदि इनका उच्चारण कॉन्सोनेंट में है, इनके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। जैसे वाय, ब, अब वाय लिखेंगे तो सबसे पहले ब आएगा, और जो ये ब है यह कॉन्सोनेंट है, न कि वावेल, वावेल नहीं है। यदि वावेल होगा तो हम यहाँ आयन लगाएंगे, और यह क्या है, बॉय है, इसलिए हम इसके पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ओमन, ओ, वह आ रहा है, इसीलिए हम इसके पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। टेबल, टो आ रहा है, इसीलिए पहले बाल, ब। तो सो फ्रेंड, आपको यह काफी बढ़िया से समझ में आ गया है, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। और हम यही चाहेंगे कि आप लाल सब्सक्राइब जो बटन है उसको प्रेस कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।